आज यूनिफाइड कमांड की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, गृहमंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हर साल यूनिफाइड कमांड की बैठक होती है। आज बैठक में गृहमंत्री समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। आज की बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान पर विस्तृत चर्चा हुई। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के काम हो रहे हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा की गयी। सभी विभाग जो नक्सली पीड़ित क्षेत्र हैं वहाँ पर जो विकास के काम हो रहे हैं अपना प्रगति रिपोर्ट रखे, और हम लोग को सरकार में आए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में बड़ी मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और सफलता भी मिल रही है, और उस क्षेत्र में लगातार नए सुरक्षा कैंप स्थापित करके और नियत नेलाना योजना का शुरुआत करके लोगों तक सरकार की जो योजना है उसको पहुंचा रहे हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है और हमारे देश के गृहमंत्री अमित शाह जी शुरुआती समय ही जनवरी 2024 में ही छत्तीसगढ़ आकर एक बैठक लिए और मार्गदर्शन दिए और हम लोगों का हौसला अफजाई किए हैं, और हम लोग विकास को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। लोग विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं और नियत नेलाना योजना के माध्यम से जो सरकार की 31 योजनाएं हैं उस पर सरकार का फोकस है, और उस क्षेत्र में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और दूरसंचार के क्षेत्र में वहाँ पर तेजी से काम हो और किसी भी काम के लिए वहाँ पर संसाधन की कमी नहीं हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं।